हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये आईपीस लेंस है। आईपीस लेंस नॉर्मली 10x और 15x के होते हैं। यहाँ 15x लगा हुआ है। आईपीस लेंस के जस्ट बिलो देर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज बॉडी ट्यूब। एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब देर इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर नोन एज नोज पीस। नोज पीस पे टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। वन इज ऑफ 40x एंड सेकेंड वन इज ऑफ 10x। नॉर्मली टू लेंस आते हैं, लेकिन मोर देन टू स्पेस भी यहाँ होते हैं नो स्पेस पे, जिससे आप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ फिक्स कर सकते हो। आप देखेंगे देर इज़ अ हैंडल नोन एज आर्म। इस हैंडल और आर्म पे टू नॉब प्रेजेंट होते हैं, एक लार्जर होता है और एक शॉर्टर होता है। जो लार्जर नॉब है उसको हम कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं, जिसका यूज़ करके हम बॉडी ट्यूब को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। एंड फाइन एडजस्टमेंट का यूज़ करके हम ऑब्जेक्टिव लेंस को एग्जैक्टली फोकस करते हैं स्पेसिमेन पे। आप देखेंगे कि यहाँ एक स्क्वायर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में, इसको हम स्टेज कहते हैं। स्टेज पे दो क्लिप्स लगे होते हैं, और स्टेज एक ऐसी जगह होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जिसमें हम ग्लास स्लाइड्स को विद स्पेसिमेन यहाँ फिक्स करते हैं। स्टेज के जस्ट बिलो आप देखेंगे ब्लैक सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नोन एज कंडेंसर। कंडेंसर का वर्क ये होता है, ये आने वाली लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन को। और स्पेसिमेन क्या करता है, जब स्पेसिमेन पे लाइट आती है तो वो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस से बनता है। ऑब्जेक्टिव लेंस फोकस कर देता है थ्रू बॉडी ट्यूब आईपीस लेंस पे, और इस तरह से हमको स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और कंडेंसर के जस्ट बिलो आप देखेंगे यहाँ एक एलईडी लगी हुई है। नॉर्मली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिरर लगे होते हैं, वहाँ दो सरफेस होते हैं उस मिरर पे, एक प्लेन मिरर होता है और दूसरा कॉनकेव सरफेस होता है नॉर्मली जो मिरर में होते हैं। लेकिन यहाँ एलईडी लगी हुई है। एलईडी इसका ये यूज़फुल है कि इस एलईडी का यूज़ करके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम डार्क में भी डार्कनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिमेन बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे हॉर्सशू स्ट्रक्चर लास्ट में पोस्टीरियर भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बेस कहते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं।